आज हम अध्ययन करेंगे 12वीं बायोलॉजी के अंतर्गत अगले चैप्टर। अगले चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य। आप लोग यदि नए स्टूडेंट हैं तो आप लोग मेरे जो यूट्यूब चैनल है नीट बायोलॉजी विथ प्रमोद यादव, इनका आप लोग पहले सब्सक्राइब से करेंगे, क्योंकि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव का यदि अध्ययन करते हैं तो आपको विशेष रूप से लाभ नहीं होगा। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो पहले सब्सक्राइब से करेंगे, पहले थ्योरिकल वीडियो को देखेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस वर्क के लिए यहाँ पर मेरे द्वारा बनाए गए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं इनमें से कुछ क्वेश्चन विभिन्न वर्षों में नीट में, व्यापम में, सेट में या फिर अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो यहाँ पर मैं उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को जो मैं मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं टेस्ट लिया था, तो कुछ स्टूडेंट का मांग था कि सर जो विभिन्न वर्षों में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं उसका भी आप एक साल वीडियो या फिर ऑडियो बनाइए। तो मैं सोचा कि जब थ्योरी हो चुका है और यदि आपको कमी महसूस हो रहा है, क्योंकि मेरे अनेक स्टूडेंट बताए कि सर हम तो थ्योरी वीडियो देखे हैं और पुस्तक में अध्ययन भी किए हैं लेकिन जो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेते हैं वो हमको नहीं मिलता है, तो मैं उनको बताया कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि कहाँ से आते हैं ये पता नहीं चल पाता है। तो आपको थ्योरी अध्ययन करने के बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप 12वीं बायोलॉजी में आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक ला पाएंगे और नीट में भी आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक ला पाएंगे। क्लियर, तो यहाँ पर शुरू करते हैं, ठीक है जी। अगला चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य। क्लियर, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन में दिख रहा है, निम्न में से कौन सा गर्भपात की गोली है। अब ये क्वेश्चन को आप पुस्तक में ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये नीट या फिर अन्य कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर है बी, RU486, मतलब 486, ये क्या है, गर्भपात की गोली है, MTP मेडिकल टर्मिनेट प्रेगनेंसी, ठीक है। मान लो कहना चाहिए अनैच्छिक गर्भ, अनचाहा गर्भ, उसको आप डॉक्टर की सलाह से, डॉक्टर की सहायता से एक निश्चित समय के अंदर 12 सप्ताह के अंदर आप उसको क्या कर सकते हैं, MTP कर सकते हैं, ठीक है, ये कानूनी वैध है। यदि अनचाहे गर्भ है और डॉक्टर की देखरेख में और यदि 12 सप्ताह से ज़्यादा नहीं हुआ है तब कहना चाहिए गर्भपात की जाती है, अन्यथा नहीं की जा सकती, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उन दंपत्ति के लिए आदर्श गर्भ निरोधक जो गर्भावस्था या बच्चे लेने में देरी करना चाहते हैं उनके लिए उपयुक्त है। आजकल हम लोग देखते हैं बहुत दंपत्ति है जो पहले और दूसरे बच्चे के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल 4 साल 5 साल तक गैप रखना चाहते हैं, उनके लिए कहना चाहिए कौन सी विधि अच्छी है, ठीक है। तो यहाँ पर है CIUD, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, इसका फुल फॉर्म IUCD होता है, IUCD इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, शाब्दिक अर्थ है ये क्या है, कॉपर टी। आप लोग सुने होंगे जो महिलाएं होती है यदि कहना चाहिए बच्चे लेने में देरी करना चाहते हैं तो एक कॉपर टी लगवाते हैं, ये कॉपर धातु का बना हुआ रहता है, टी आकार का रहता है, जिसके कारण इसको कह दिया गया है कॉपर टी। ये जो कहने चाहिए जो ओवरी के बाद जो ट्यूब होती है, फेलोपियन ट्यूब होती है, वहीं पर इनको प्रविष्ट कराया जाता है, ठीक है जी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लैक्टेशन अमेनोरिया अधिकतम अवधि तक प्रभावी है,
लैक्टेशन, जो दूध पिलाती हुई महिला होती है उस पीरियड को कहना चाहिए लैक्टेशन कहा जाता है। तो इनकी अवधि एक दे दिया गया है छः माह तक, 3 माह, 6 माह, 9 माह, 12 माह। तो लैक्टेशन पीरियड कहना चाहिए 6 माह को माना गया है, 6-7 को, ठीक है। तो 9 को नहीं ले सकते, न 3 मंथ को नहीं ले सकते, तो यहाँ पर किसको ले लेंगे हम लोग, 6 मंथ को ले लेंगे, क्लियर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आपातकालीन गर्भ निरोधक विधियों को भीतर नियोजित किया जाना चाहिए, आपातकालीन गर्भ निरोधक विधियों को भीतर नियोजित किया जाना चाहिए। तो यहाँ इसका अर्थ यह है कि जो गर्भ निरोधक टेबलेट होती है उसको कब लिया जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, ऑप्शन ओव्यूलेशन के 72 घंटे के अंदर, मेंस्ट्रुएशन या एमसी प्रवाह की शुरुआत के 72 घंटे के अंदर, एमसी प्रवाह के 72 घंटे के भीतर, या फिर असुरक्षित सहवास के 72 घंटे के भीतर। तो यहाँ पर उत्तर क्या है, डी, यहाँ पर उत्तर क्या है, डी, असुरक्षित सहवास के 72 घंटे के भीतर लेना है। मान लो कहने चाहिए कोई फीमेल है कोई मेल है, असुरक्षित सहवास, ठीक है, यदि असुरक्षित सहवास हो जाते हैं, और यदि कहना चाहिए चाइल्ड नहीं लेना चाहते हैं, तो कहना चाहिए असुरक्षित सहवास के 3 दिन के अंदर, मतलब 72 घंटे के अंदर गर्भ निरोधक टेबलेट लेना अनिवार्य है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रक्रिया में क्या शामिल है, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रक्रिया में क्या शामिल है, इनको विस्तृत जानने के लिए आप लोग मेरा जो यूट्यूब चैनल है नेट बायोलॉजी विद प्रमोद यादव, उसमें आप लोग विशेष रूप से देखिए। 12वीं का जो पुस्तक है आपका, जो एनसीईआरटी का पुस्तक है, उसमें इसको 4-5 विधि या 3 या 4 विधि को दी गई है, और बहुत शॉर्टकट तरीके से दी गई है, उसको आप पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको कहना चाहिए जो टेस्ट ट्यूब बेबी है, ये कई प्रक्रिया इसके अंतर्गत आती है, इसको कहना चाहिए ARTP भी कहा जाता है आजकल, सहायक जनन तकनीक भी है, टेस्ट ट्यूब बेबी भी है, इसके अंतर्गत कहना चाहिए IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिप्ट है, गिप्ट है, AI है, और ICSI है, मतलब इसके अंतर्गत 6-7 विधियों का प्रयोग किया जाता है। इनका विस्तृत अध्ययन के लिए आप लोग मेरे YouTube चैनल को देखेंगे, वहाँ पर आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, क्लियर। तो टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रक्रिया में क्या शामिल है, तो यहाँ पर उत्तर है, यहाँ पर ए, निषेचन में इन विट्रो, लेकिन भ्रूण का विकास विवो में, मतलब निषेचन कहाँ होगा, इन विट्रो मतलब शरीर के बाहर होगा, जो कांच के पात्र होते हैं ना उसमें होंगे निषेचन, और वहाँ निषेचन कराने के बाद जो जायगोट बनती है उसको कहना चाहिए भ्रूण का विकास कहाँ होगा, विवो में होगा, मतलब ये गर्भाशय में होगा। तो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रक्रिया में क्या शामिल है, फर्टिलाइजेशन इन विट्रो है, लेकिन भ्रूण का विकास कहाँ होगा, विवो में होगा, क्लियर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जन्म नियंत्रण का सबसे कम प्रभावी तरीका है, जो बर्थ कंट्रोल है उसमें हमारे पुस्तक में 2 विधि दिया गया है, एक है प्राकृतिक और एक है आर्टिफिशियल, एक है प्राकृतिक और एक है आर्टिफिशियल। प्राकृतिक के अंतर्गत किसी उपकरण या मेडिसिन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आर्टिफिशियल के अंतर्गत कहने की विभिन्न प्रकार के विधि आती है, आर्टिफिशियल के अंतर्गत जैसे कि वैसेक्टोमी, पुरुष नसबंदी, कट एंड टाइट स्पर्म डक्ट को या वास डिफरेंशिया को, फीमेल में होती है ट्यूबेक्टोमी, फेलोपियन ट्यूब को कट एंड टाइट कर दिया जाता है, काट कर बांध दिया जाता है, ठीक है। IUD या IUCD इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, मतलब कॉपर टी, ठीक है। क्वांडोम, फेमिडोम, आजकल हार्मोन युक्त पाउच आते हैं, हार्मोन युक्त पाउच आते हैं, उस पाउच को कहना चाहिए त्वचा में सर्जरी करके प्रविष्ट करा दिया जाता है, और उसमें से कहना चाहिए हार्मोन रिश्ते रहते हैं, जब कहना चाहिए अगला चाइल्ड लेना होता है तब उस हार्मोन युक्त पैकेट को क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ये सब क्या है, आर्टिफिशियल विधि है।
प्राकृतिक के अंतर्गत कहने चाहिए, एक पहला विधि होता है लय विधि। लय विधि में क्या होता है, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल 1 से 28 दिन तक चलती रहती है, तो उसमें 14वें दिन में 14 डेज में अंडाणु का क्या होता है, निर्माण होता है। तो उसका एक रेट ले लिया जाता है, मतलब 11वें से 18वें दिन के बीच में मेल या फीमेल एक दूसरे के साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, तो उसी को कहा जाता है लय विधि, रिदम या रिदम मेथोड। तो इसमें आजकल कहने की मेंस्ट्रुएशन साइकिल इतनी अनियमित हो चुकी है कि ये पता नहीं चल पाता है कि कब 14 डेज है, कब 15 है, कब 11 है, कब 18 है। तो यहाँ पर जन्म नियंत्रण का सबसे कम प्रभावी तरीका लय विधि आएगा, मतलब बी, क्योंकि पुरुष नसबंदी होगा तो प्रभावी तरीका है। गर्भ निरोधक गोली ये भी कहना चाहिए प्रभावी तरीका है। IUD या IUCD ये भी कहना चाहिए कॉपर डी या प्रभावी तरीका है, ठीक है। तो इसमें सबसे कम नियंत्रण प्रभावी तरीका क्या है, लय विधि, क्लियर। अगला क्वेश्चन है, जन्म नियंत्रण की गोलियों में जो बर्थ कंट्रोल करने के लिए जो गोलियां आती है, टेबलेट आती है, माला डी, एन सहेली, ठीक है, इन सब में सिंथेटिक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होते हैं, ये फीमेल का सेक्स हार्मोन भी होते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, इन गोलियों में भी ये होते हैं। तो ये हार्मोन गर्भावस्था को कैसे रोक सकते हैं, मतलब ये जो गर्भ निरोधक टेबलेट होते हैं यदि कोई फीमेल लेते हैं तो गर्भ अवस्था को ये कैसे रोक सकते हैं, तो इनका उत्तर है सी, मतलब ये STH सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इन दोनों को कहना चाहिए पिट्यूटरी रखते हैं, मतलब नियंत्रण रखते हैं इनके ऊपर, जिनके कारण कहना चाहिए ओव्यूलेशन नहीं होती है, जिनके कारण ओव्यूलेशन मतलब अंडाणु का निर्माण नहीं हो पाती है। किसको लेने से, जो गर्भ निरोधक जो टेबलेट होती है इसमें सिंथेटिक मतलब आर्टिफिशियल एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन होते हैं, ये STS और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को कहना चाहिए कंट्रोल रखते हैं, और इसके कारण ओव्यूलेशन मतलब अंडाणु निर्माण की क्रिया ये रोक देती है, ठीक है जी, जिसके कारण कहना चाहिए गर्भावस्था नहीं हो पाते हैं, क्लियर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वैसेक्टोमी क्या है। तो अभी आप लोग को बता रहा था एक आर्टिफिशियल विधि होती है, एक होता है वैसेक्टोमी और एक होता है ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी मतलब पुरुष में होगा, ट्यूबेक्टोमी फीमेल में होती है। वैसेक्टोमी मतलब पुरुष नसबंदी में क्या होता है, जो स्पर्म डक्ट होता है, वास डिफरेंस जो नलिका होती है उसको काट कर उसको बांध दिया जाता है, वैसेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी फीमेल में होती है, उसमें जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसको कहना चाहिए काट कर क्या कर देते हैं, उसको बांध देते हैं। तो वैसेक्टोमी में क्या होगा, शुक्राणु को वीर्य में प्रवेश करने से रोकें, तो उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मतलब शुक्राणु को वीर्य में प्रवेश करने से क्या करना है, रोकना है, क्लियर। अगला क्वेश्चन है, हिस्टेरेक्टोमी ऑपरेशन में क्या हटाते हैं, वास्तव में जो गर्भाशय होते हैं ना उनका जो ऑपरेशन करके उसको यदि निकाल दिया जाता है या फिर हटा दिया जाता है तो उसको ना हिस्टेरेक्टोमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हिस्टेरेक्टोमी, मतलब गर्भाशय का ऑपरेशन, क्लियर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है जो IUD मतलब जो कॉपर टी द्वारा उत्पादित होते हैं, जो शुक्राणु की गतिशीलता को कम कर देते हैं, IUD या IUCD, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस या फिर कॉपर टी, ठीक है, ये कहना चाहिए कौन से हार्मोन का सेक्रेशन करेंगे जो शुक्राणु की जो गतिशीलता होती है 2 से 4 mm प्रति मिनट होती है, उस गतिशीलता को क्या कर देती है, कम कर देती है। तो इनमें से LNG20 इस हार्मोन का कहना चाहिए कॉपर टी क्या करते हैं, उत्पादित करते हैं, क्लियर। अगला क्वेश्चन है, MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी
को गर्भावस्था के कितने सप्ताह के अंत तक सुरक्षित माना जाता है। अभी जस्ट अभी आप लोग को बताया था, यदि कोई गर्भ अनचाहा गर्भ है, यदि जो कहने की दंपत्ति है, यदि भ्रूण या फिर आगे चाइल्ड लेना नहीं चाहते हैं, तो उसको कहना चाहिए MTP किया जाता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब भ्रूण को गर्भावस्था में ही ख़त्म कर देना। ठीक है, तो 12 सप्ताह के अंदर सुरक्षित माना जाता है, जिसके कारण 12 सप्ताह के अंदर यदि डॉक्टर की सहायता से किया जाता है तब इसको वैध माना गया है। MTP ये कानून एक बना हुआ है, 1971 में कानून आया था भारत में। यदि कहने की 13, 14, 15 मतलब आगे बढ़ गया है तब इसको कानूनन अवैध माना जाता है, क्योंकि इससे जच्चा और बच्चा मतलब भ्रूण और माँ, जच्चा और बच्चा दोनों को क्या हो सकते हैं, हानि हो सकते हैं। तो केवल 12 सप्ताह तक इसको वैध माना गया है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है HIV हीपेटाइटिस बी गोनोरिया ट्राइकोमोनियसिस के संबंध में कौन सा सही है, कौन सा सही है। तो इस चारों ऑप्शन को पढ़ना पड़ेगा तभी ये बनेगा। ट्राइकोमोनियसिस एक STD है जबकि अन्य नहीं है। तो STD तो ट्राइकोमोनियसिस है, लेकिन HIV भी है, हीपेटाइटिस बी भी है, गोनोरिया भी है, ये ऑप्शन सही नहीं है। दूसरा है गोनोरिया एक वायरस जनित रोग है जबकि अन्य जीवाणु जनित रोग है, ये भी गलत है, क्योंकि गोनोरिया कहना चाहिए वायरस जनित रोग नहीं है, बैक्टीरिया से होने वाले एक रोग है। सी HIV एक रोगजनक है जबकि अन्य रोग है, ये उत्तर सही है। HIV एक रोगजनक है, HIV एक रोग नहीं है, रोगजनक है। HIV वायरस का नाम है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस एक रोगजनक है जबकि अन्य क्या है, रोग है। हीपेटाइटिस बी रोग है, गोनोरिया मतलब सुजाक एक रोग है, ट्राइकोमोनियोसिस एक रोग है। तो उत्तर क्या है, सी। डी को देख लेते हैं, हीपेटाइटिस बी STD नहीं है जबकि वो STD है। ठीक है, तो उत्तर यहाँ पर याद रख लेंगे सी। उसके बाद आगे क्वेश्चन है एमनियोसेंटेसिस क्या है, एमनियोसेंटेसिस क्या है। प्रसव पूर्व भ्रूण का निर्धारण टेस्ट, प्रसव पूर्व भ्रूण का निर्धारण टेस्ट, ये सही। प्रसवोत्तर भ्रूण का निर्धारण टेस्ट, तो यहाँ पर हमको बताना है सही कौन कौन से हैं, सही कौन कौन से हैं। ठीक है, तो पहला तो सही है, दूसरा गलत है, तीसरा देखते हैं यह एमनियोटिक द्रव के गुणसूत्र पैटर्न पर आधारित है, ये सही है, पहला भी सही, तीसरा भी सही। चौथा देखते हैं यह एमनियोटिक द्रव और सेमाइनल द्रव के गुणसूत्र पैटर्न पर आधारित हैं, ये गलत है। तो दूसरा और चौथा क्या है, गलत है। पहला और तीसरा क्या है, सही है। तो उत्तर क्या आ जाएगा यहाँ पर, सी। उत्तर क्या आ जाएगा, सी। ठीक है जी, क्योंकि प्रसव पूर्व भ्रूण का निर्धारण एमनियोसेंटेसिस के माध्यम से भ्रूण का टेस्ट भी किया जा सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो फीमेल होती है, जो गर्भाशय होती है, उनमें जो द्रव होती है उसको एमनियोटिक फ्लड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एमनियोटिक फ्लड। उस कहना चाहिए जो एमनियोटिक फ्लड होती है उसमें कुछ भ्रूणी सेल्स पाए जाते हैं, तो एक इंजेक्शन की सहायता से सीधे इंजेक्शन लगाए जाते हैं और वहाँ से भ्रूणी सेल्स को इंजेक्शन की सहायता से बाहर निकाला जाता है, फिर उसको स्लाइड में रख के माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तब उसमें एक्स क्रोमोसोम की संख्या जो उसमें बार बॉडी होती है उनकी सहायता से वो मेल है कि फीमेल हो पता चल सकते हैं। यदि कहना चाहिए फीमेल है मतलब दो एक्स है, तब एक बार बॉडी पाए जाएंगे, दो एक्स है तो एक बार बॉडी पाए जाएंगे, यदि तीन एक्स है तो उसमें बार बॉडी की संख्या दो, चार एक्स है तो बार बॉडी की संख्या तीन, एक एक्स है तो बार बॉडी की संख्या जीरो, मतलब एक बार बॉडी है तब फीमेल है और वह स्वस्थ है, दो बार बॉडी तीन बार बॉडी मतलब वो रोगी हो सकते हैं। क्लियर, तो इनसे कहना चाहिए भ्रूण का टेस्ट भी होता है, और तीसरा भी सही है क्योंकि एमनियोटिक द्रव के गुणसूत्र पैटर्न पर आधारित है। तो उत्तर क्या आ जाएगा यहाँ पर,
वन और सी, क्लियर। आगे देखते हैं, निम्न में गलत कथन को चयन कीजिए, निम्न में गलत कथन को चयन कीजिए। तो यहाँ पर आप कहें कौन गलत है, गोनोरिया सुजाक, यह होता है निसेरिया गोनोरी नामक बैक्टीरिया से, तो ये सही है, आपको चयन करना है गलत को। सिफिलिस, यह होता है ट्रिपोनिमा पेलिडम नामक बैक्टीरिया से, ये भी सही है। चौथा ऑप्शन देखते हैं, एड्स, यह होता है वायरस से, एचआईवी वायरस, ये भी सही है। जनन मत्स्य, ये गलत है, वास्तव में जो फीमेल होती है उनकी जो जनन नलिका होती है उसमें कुछ मत्स्य हो जाते हैं, ये वायरस जनित, वायरस से होने वाला रोग है। वायरस का नाम होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जबकि यहाँ पर क्या दिया है, जीवाणु जनित। तो यहाँ पर निम्न में गलत कथन को चयन कीजिए, तो उत्तर आ जाएगा सी, क्लियर। उसके बाद आगे है, साप्ताहिक रूप से खाने वाली गर्भ निरोधक गोली का व्यापारिक नाम क्या है, साप्ताहिक रूप से आप लोग याद रखेंगे, जो डेली खाते हैं प्रतिदिन खाते हैं माला डी माला एन होते हैं, माला डी माला एन होते हैं, लेकिन जो साप्ताहिक खाते हैं वो होती है सहेली। इसको भारत में ही बनाया जाता है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। तो उत्तर क्या आ जाएगा, सहेली सी आ जाएगा, क्लियर। अगला है, गलत कथन पर विचार कीजिए, गलत कथन पर विचार कीजिए। भारत में परिवार नियोजन 1951 में लाया गया, ये सही है। गलत कथन आपको पता करना है, जनन एवं बाल स्वास्थ्य 1977 में लाया गया, ये भी क्या है, सही है। भारत में विवाह की उम्र पुरुष में 21 वर्ष और महिलाओं में 18 वर्ष, ये भी सही है। भारत में जनगणना की शुरुआत 1891 में हुई थी, ये गलत है। भारत में प्रथम बार जनगणना की शुरुआत 1872 में हुई थी, प्रथम बार, लेकिन नियमित जनगणना मतलब हर 10 वर्ष होने वाली जो नियमित जनगणना है वो 1881 में शुरू हुई थी। 1881 से लेकर अब तक प्रत्येक 10 वर्ष में क्या होती है, जनगणना होती है। 1881, 1891, 1901, मतलब हर 10 वर्ष में होती है। गलत कथन क्या है, डी, क्लियर। आगे है, नीचे दिए गए यौन संचारित रोगों में से कौन सा रोग मुख्यतः यौन अंगों को प्रभावित नहीं करता है। यहाँ पर कहना चाहिए चार एसटीडी रोग है, सेक्सुअली ट्रांसमिशन चार रोग है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी रोग है जो यौन अंगों मतलब जनन अंग को प्रभावित नहीं करते हैं। तो डायरेक्ट इनका उत्तर क्या है, एड्स, क्योंकि एड्स से अपने मेल फीमेल के यौन अंग प्रभावित नहीं होते हैं, इनसे व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। ये हेल्पर टी सेल्स के ऊपर आक्रमण करते हैं, और हेल्पर टी सेल से कहना चाहिए बी सेल्स को एंटीबॉडी निर्माण करने में मदद करते हैं। तो यहाँ पर उत्तर है एड्स, क्लियर। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग लैंगिक रूप से संप्रेषित नहीं होता है। एड्स ये लैंगिक रूप से संप्रेषित होता है, एसटीडी रोग है। ट्राइकोमोनियसिस ये फीमेल मानव में होती है, वेजाइना में होती है, ठीक है, ये भी कहना चाहिए एसटीडी रोग है। सिफिलिस है, ये भी कहना चाहिए क्या है, एसटीडी रोग है। ट्राइकोमोनियसिस, एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया मतलब सुजाक, इसी प्रकार से जनन मत्स्य और क्लेमेडिया मतलब क्लेमेडियसिस, ये सब क्या होते हैं, एसटीडी रोग होते हैं। तो यहाँ पर उत्तर क्या है, इंसेफेलाइटिस, ये एसटीडी रोग नहीं है। हालांकि ये भी वायरस बैक्टीरिया से होते हैं, लेकिन ये लैंगिक रूप से संचारित होने वाले रोग नहीं हैं। इसको कहना चाहिए इसमें बुखार आती है, जापानी इंसेफेलाइटिस, विशेष रूप से कहना चाहिए छोटे छोटे बच्चे को होते हैं, क्लियर। आगे है, उसके बाद यह एक रोग है, यह एक
रोग है जिसमें मुख्यतः नरों में मतलब मेल में यूरिन करते समय जलन होगा तथा पीला पदार्थ भी निकलता है, साथ ही सिर दर्द होगा, बुखार होगा, कमजोरी महसूस होती है, यह रोग है। मतलब यहाँ पर चार रोग है, उस लक्षण के आधार पर आपको पता करना है कि ये कौन से रोग हैं। क्लियर? तो यहाँ पर एड्स तो नहीं है, सिफिलिस भी नहीं है, क्लेमेडियसिस भी नहीं है, ये क्या है? गोनोरिया है, सुजाक। ये निसेरिया गोनोरिया नामक बैक्टीरिया से होती है, निसेरिया गोनोरिया नामक बैक्टीरिया से होती है। इसमें कहना चाहिए यूरिन करते समय जलन होती है और कुछ पीला पदार्थ भी निकलते हैं, जिसमें सिर दर्द और बुखार भी होते हैं और कमजोरी महसूस भी होते हैं। गोनोरिया को हिंदी में सुजाक कहा जाता है, ये भी कहना चाहिए एक एसटीडी रोग ही होते हैं। क्लियर? आगे है, निम्न में से किस समूह में सेक्सुअली ट्रांसमिसेड डिसीज सम्मिलित है? आपको बताना है एसटीडी रोग, आपको बताना है एसटीडी रोग। तो देखिए, इसमें आपको पता करना है कि कौन एसटीडी रोग नहीं है, उसमें क्लियर हो जाएगा। पहला देखते हैं हीपेटाइटिस बी और एड्स, ये एसटीडी रोग है लेकिन हीमोफीलिया नहीं है। सेकंड, एचआईवी ट्राइकोमोनियसिस है लेकिन मलेरिया नहीं है। तीसरा, एड्स और सिफिलिस है लेकिन कॉलरा हैजा नहीं है। चौथा उत्तर सही है, गोनोरिया हीपेटाइटिस बी और क्लेमेडियासिस। चौथा डी, ये क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिसेस डिसीज है। क्लियर? उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक दंपत्ति जिसके पुरुष में शुक्राणुओं की संख्या बहुत कम है, शुक्राणुओं की संख्या बहुत कम है, उनके लिए निषेचन की कौन सी तकनीक उचित होगी? एक दंपत्ति है, ठीक है, पति पत्नी, जिसके पुरुष में स्पर्म मतलब शुक्राणुओं की संख्या बहुत कम है, उनके लिए निषेचन की कौन सी तकनीक उचित होगी? मतलब जो सहायक जनन तकनीकें आए हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी है, ये 8-10 प्रकार के होते हैं, ठीक है, अलग अलग स्थिति के आधार पर अलग अलग तकनीकी अपनाई जाती है। तो इनका उत्तर है सी, AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या IUI, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्लियर? इनको विस्तृत जानने के लिए आप लोग मेरा जो YouTube चैनल है नीट बायोलॉजी विद प्रमोद यादव, वहाँ पर आपका पूरी तरह से फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यदि आप बिना थ्योरी को पढ़े, बिना वीडियो देखे, आप डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव अध्ययन करेंगे या फिर इनको प्रैक्टिस करेंगे तो ये संभव ही नहीं है कि आप इसको आसानी से बना लेंगे। इसके लिए पहले आप मेरे जो YouTube चैनल में जो वीडियो है, आपके पास जो पुस्तक है, उनको आप गहराई से पढ़िए, उसके बाद ही कहना चाहिए आप इन सब का प्रयोग करेंगे या फिर प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपको विशेष रूप से लाभ होगा, अन्यथा आपको लाभ नहीं हो पाएगा। क्लियर? अगला है, महिलाओं के लिए एक नया ओरल गर्भ निरोधक गोली सहेली वैज्ञानिकों ने किस स्थान पर विकसित किया है? अभी जस्ट आप लोग को बताया था, भारत में कहना चाहिए सहेली नामक एक गर्भ निरोधक गोली बनाया गया है, वो बनाया गया है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। सहेली, इनको सप्ताह में एक बार लिया जाता है, प्रतिदिन नहीं लिया जाता है। तो यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन बनाया हूँ मैं, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट तो है लेकिन कानपुर है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट तो है लेकिन दिल्ली है, लखनऊ नहीं है। उसके बाद लखनऊ तो दिया है लेकिन यहाँ पर सेंट्रल साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च दे दिया गया है। तो उत्तर आ जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, उत्तर याद रख लेंगे, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। क्लियर? उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एमनियोसेंटेसिस का दुष्प्रभाव है, जस्ट अभी आप लोग को मैं बताया था, ठीक है। एमनियोसेंटेसिस क्या है?
एमनियोसेंटेसिस भ्रूण निर्धारण की लिंग निर्धारण इनसे किया जा सकता है। हालांकि इनका विकास हुआ था, जो सोनोग्राफी आया है, इन सब का मेन अर्थ ये नहीं होता है कि लिंग टेस्ट करना है। इन सब का मुख्य कार्य होता है जो भ्रूण होते हैं उसमें किसी प्रकार की रोग है कि नहीं, ठीक है। सोनोग्राफी कराने के लिए जब महिला जाती है तो वहाँ पर लिंग टेस्ट नहीं कराया जाता। लिंग टेस्ट कराना गैर कानूनी है, डॉक्टर के लिए भी और फीमेल के लिए भी, ठीक है जी। तो उसमें केवल जो भ्रूण है उसका हार्ट बीटिंग ठीक है कि नहीं है, उसमें विभिन्न प्रकार के जो आर्गन बनने की क्रिया है वो सही है कि नहीं है, मतलब उसमें किसी भी प्रकार की रोग है कि नहीं है, वंशागत कुछ रोग है कि नहीं है, ये सब पता लगाने के लिए सोनोग्राफी को लाए गए हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जो एमनियोसेंटेसिस है उनका भी मेन अर्थ यही है, लेकिन बाद में कहना चाहिए इनका कुछ गलत या साइड इफेक्ट प्रभाव पड़ने लग गए, मतलब सोनोग्राफी की सहायता से लिंग टेस्ट करना प्रारंभ कर दिए, मतलब मेल है कि फीमेल, ठीक है। यदि कहने चाहिए फीमेल है तो गर्भ अवस्था में ही कहना चाहिए कन्या भ्रूण हत्या कर दी जाती है। तो जो कन्या भ्रूण हत्या है, बीच में कहना चाहिए बहुत ज़्यादा हो गया था, तो भारत सरकार ने अनुभव किया कि यदि इसी प्रकार से होता रहा तो भारत में कहना चाहिए जो महिलाओं की संख्या है वो क्या हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी, मतलब लिंगा अनुपात क्या हो सकती है, कम हो सकती है। आज भी कहना चाहिए भारत में लिंगा अनुपात 2011 जनगणना के अनुसार 943 या 941 के आसपास है प्रति 1000 पुरुषों के पीछे। इनमें सबसे कम पंजाब और हरियाणा में है, पंजाब और हरियाणा में है, मतलब ये माना जाता है जो जितना अधिक शिक्षित है, जितना अधिक पैसे वाला है, वही कहना चाहिए ज़्यादा सोनोग्राफी कराते थे, क्योंकि जो गरीब आदमी है, जो गांव का व्यक्ति है, उनको सोनोग्राफी क्या होता है ये पता नहीं होता है। सोनोग्राफी कराने के लिए यदि लिंग टेस्ट कराने के लिए 50,000 मांग की जाती तो उनके पास 1-2 हज़ार भी नहीं है, तो ये संभव ही नहीं है। तो बाद में भारत सरकार ने इस पर पूरी तरह से इसको गैरकानूनी अपराध एक कानून बना दिया गया है। इसी प्रकार से एमनियोसेंटेसिस है, ठीक है, तो इनका दुष्प्रभाव क्या है, तो इसका दुष्प्रभाव में उत्तर आ जाएगा डी, इससे मादा भ्रूण समाप्त कर सकते हैं, मतलब कन्या भ्रूण हत्या कर सकते हैं, क्लियर, ये इनका दुष्प्रभाव है। सोनोग्राफी आने के बाद ये एमनियोसेंटेसिस लगभग बंद हो चुका है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक परिवर्धनशील भ्रूण में एमनियोसेंटेसिस द्वारा निम्नलिखित में से किसकी पहचान नहीं की जा सकती है। अभी आप लोग को मैं बता रहा था एमनियोसेंटेसिस के माध्यम से जो भ्रूण होते हैं उसमें किसी प्रकार का रोग है कि नहीं उसका पता लगाया जाता है। तो यहाँ पर चार रोगों का नाम दे दिया गया है, तो आपको बताना है इनमें से किस रोग की पहचान एमनियोसेंटेसिस द्वारा नहीं की जा सकती है, ठीक है। पीलिया, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, तो उत्तर ए, क्योंकि बी सी डी ये तो क्रोमोसोम से संबंधित है और क्रोमोसोम से संबंधित ही उसमें पता लगाया जाता है, जिसके कारण कहना चाहिए मेल है कि फीमेल है, सेक्स डिटर्मिनेशन का पता चल जाता है। तो इसमें उत्तर आ जाएगा ए, मतलब पीलिया, भ्रूण को पीलिया है कि नहीं है एमनियोसेंटेसिस या फिर सोनोग्राफी से पता नहीं लगेगा, क्लियर। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोजेक्ट में निम्नलिखित में से किस एक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी में वैसे तो 8-10 टेक्निक का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन है कि आपको एक को बताना है जो सबसे अधिक मात्रा में उपयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर उत्तर है सी, जिप्ट, ZIFT, जिप्ट, ठीक है जी, जिप्ट, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। इसका मेन अर्थ यह होता है जो दंपत्ति होते हैं उसमें मान लो किसी प्रकार से दिक्कत है, शादी हुए कहना चाहिए 2-4-5-10 साल हो चुके हैं, और यदि कहना चाहिए वो चाइल्ड लेना चाहते हैं लेकिन मेल में कमी है या फीमेल में कमी है,
ठीक है। तो जनरली तौर पर आजकल कहना चाहिए विभिन्न प्रकार की तकनीकें आ गई जिसको टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जाना जाता है। तो इसके अंतर्गत 8-10 विधि है। इनमें ज़्यादा मात्रा में उपयोग किया जाता है जिप्ट जाइगोट, क्योंकि जो मेल होते हैं जो फीमेल होते हैं उनमें गेमेट बनते हैं। नर के गेमेट को कहा जाता है स्पर्म, मादा के गेमेट को कहते हैं ओहम, मतलब अंडाणु और शुक्राणु। तो अंडाणु और शुक्राणु को मेल और फीमेल के शरीर से बाहर निकाल लेते हैं टेक्निक के माध्यम से। फिर जो टेस्ट ट्यूब होते हैं, परख नली होते हैं, पात्र होते हैं, कांच के बने हुए होते हैं, उसमें कुछ द्रव होते हैं, टिश्यू कल्चर होते हैं, ठीक है। अब जो कांच के जो पात्र होते हैं, टेस्ट ट्यूब होती हैं, उसी में फर्टिलाइजेशन कराते हैं। और फर्टिलाइजेशन कराने के बाद उसमें क्या बन जाती है, अंडाणु और शुक्राणु के मिलने के बाद जाइगोट। अब इसी जाइगोट को जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र, जाइगोट को इंट्रा मतलब प्रविष्ट कराना, फेलोपियन में ट्रांसफ़र कराना, क्लियर। तो जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र, इस शब्द को आप लोग 2-3 बार बोलिए, ऑटोमेटिक इसका उत्तर मिल जाएगा, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन में ट्रांसफ़र करना। इसी प्रकार से जो टेस्ट ट्यूब बेबी है, सहायक जनन तकनीकें हैं, ठीक है, इनको और विशेष जानने के लिए मेरे YouTube का अध्ययन करेंगे, वहाँ पर मैं विशेष रूप से आपको चित्रों की सहायता से बताया हूँ, तो वहाँ पर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, क्लियर। तो ये हो गया आज का रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है जी। इसके अंतर्गत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसके अंतर्गत कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो मेरे द्वारा स्वयं बनाए गए हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चन तो नीट में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो आप लोग मेरे YouTube चैनल को लगातार आप लोग देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, अपने मित्रों को भी सब्सक्राइब कराइए। और मैं चाहता हूँ आप लोग मेरे YouTube के माध्यम से बायोलॉजी में और नीट में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाने का प्रयास करें, ठीक है जी। तो आज के लिए केवल इतना ही, कल पुनः मिलेंगे इसी चैप्टर का अगले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, ठीक।